जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल विक्टोरिया अस्पताल में मुजरिमाना गफलत की इंतहा हो गई। मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। इंसानी रगों में लगाने से कबल खून को चाय की तरह चूल्हे पर गर्म किया जा रहा है। फुटेज ने तहलका मचा दिया। तिबी माहिरीन ने मामले को मरीजों के लिए खतरनाक करार दे दिया। अथर लाशारी की रिपोर्ट देखिए। ये चाय का होटल नहीं, ना ही किसी के घर का किचन है, बल्कि चूल्हे पर जलने वाली आग बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में है। फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि 2000 बेड्स पर मुश्तमिल इस बड़े अस्पताल का अमला कितना गैर तरबियती याफ्ता है। मरीजों की जिंदगियां बचानी है या उन्हें मौत के कुएं में धकेलना है, शायद इनकी बला ही जाने। ऑपरेशन थिएटर का टेक्नीशियन चूल्हे में आग जलाकर किस तरह खून को उबाल रहा है, ये मंजर देख कर इंसान चकरा कर रह जाए। मरीन खून को आग पर गर्म करके इस्तेमाल करने को मरीज के लिए जानलेवा करा देते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि खून की बोतल को आग पर गर्म करते वक्त अगर इसकी नाली में लीकेज हो जाए और इसमें हवा चली जाए तो मरीज के गुर्दे फौरी तौर पर खत्म हो सकते हैं, जबकि ज्यादा गर्म खून लगाने से मरीज की जान भी जा सकती है। प्रिंसिपल कायद आजम मेडिकल कॉलेज ने कहा है कि वाकई का नोटिस लेकर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और इस बात का भी फैसला किया गया है कि तमाम डॉक्टर्स की खून की तरसील के हवाले से तरबियत कराई जाए। आग पर खून गर्म करने का मामला मामूली नहीं, गफलत की इंतहा है। मुतालिका हुकाम को इस तह तक पहुंचना जरूरी है कि किसके कहने पर खून को आग पर गर्म किया गया, मुतालिका अमले की अपने काम से मुतालिक क्या अहलियत है और वो किसकी निगरानी में ऐसे काम अंजाम देते हैं। कैमरामैन अक्रम शाहीन के साथ अथर लाशारी, बहावलपुर।